नमस्कार, मेरा नाम विवेक राजदान है। अब आईपीएल के 15 साल हो गए हैं और थोड़ा सा ये बात हो रही थी कि भाई ये 15 साल इतने क्रिकेटर्स आपने देखे हैं, क्या कोई एक ऐसी आप 11 जनों की टीम सिलेक्ट कर सकते हैं इन 15 साल में जो क्रिकेटर्स ने आके जो कुछ करके दिखाया मैदान में, कि भाई ऑल टाइम अगर आपकी फेवरेट टीम आपको उठानी हो या चुननी हो तो कौन कौन खिलाड़ी वहां होंगे। शुरुआत करते हैं तो अगर आप ओपनर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो एक ओपनर के तौर पे आता है वो है क्रिस गेल। आप उनको भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये फॉर्मेट तो मानो बना ही उनके लिए है, और जो उनका प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है, कमाल के खिलाड़ी रहे हैं क्रिस गेल। अब दूसरे ओपनर की जब बात होती है तो कई खिलाड़ियों का नाम होता है। अगर आप देखें तो केएल राहुल जैसा खिलाड़ी आता है जिसकी 50 से ऊपर की औसत है। आप शेन वॉटसन को कैसे भूल सकते हैं, डेविड वॉर्नर का भी नाम आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी अपनी असली लय में हो तब उसके आसपास इनमें से कोई भी नाम नहीं आ सकता, और वो खिलाड़ी है रोहित शर्मा। तो इसलिए एक ओपनर के तौर पर अगर क्रिस गेल के साथ किसी को मैं देखना चाहूँगा तो वो रोहित शर्मा है। तीन नंबर पे आप आए तो 3, 4, 5, 6 के जो खिलाड़ी हैं मेरी टीम में, उनमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वो बिल्कुल साफ सुथरी उनका प्रदर्शन रहा है, उनकी जगह जिस तरह से पक्की बनती है किसी भी प्लेइंग 11 में। 3 पे हैं विराट कोहली, 4 पे मैं लेकर आता हूँ एबी डिविलियर्स को, 5 पे मेरे लिए सुरेश रैना, और 6 पे महेंद्र सिंह धोनी जो कि इस टीम के कप्तान। अब ये देखिए कि ये ऊपरी क्रम के जो 6 खिलाड़ी हैं इन्होंने अपनी जगह जो है इस टीम में बना ली है। विराट कोहली क्यों हैं ये सभी जानते हैं, और विराट कोहली का सीजन जो कुछ इस तरह के रहे जहां उन्होंने मैचेस क्या क्रिकेट को इस तरह से खेल के दिखाया कि लगता ऐसा था कि बाकी बल्लेबाज किसी और पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये किसी और पिच पे। अब एबी डिविलियर्स को आप कैसे भूल सकते हैं, वो एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ये सिखाया कि 360 डिग्री में भी बल्लेबाजी की जा सकती है। लोगों को लगता था कि ज्यादा शॉट्स जो हैं या अच्छे शॉट्स जो हैं वो विकेट के सामने मारे जाते हैं, इन्होंने तो विकेट के पीछे अच्छे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। तो ये अपने आप में एक अलग किस्म का इन्होंने बल्लेबाजी को एक दिशा दिखाई। सुरेश रैना, इन खिलाड़ी को मत भूलिएगा क्योंकि एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ये एक अलग वो आपके पास वो रहता है जब कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज मध्य क्रम में आता है तो मुश्किलें पैदा होती हैं, और फिर जब सुरेश रैना उस लय में बल्लेबाजी करते हैं इनकी बराबरी नहीं की जा सकती, और खास तौर पे उस नंबर पे जहां पे आप इनको खिलाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो चर्चा करनी मतलब कि समय बर्बाद करने वाली बात है, और इसीलिए वो हैं भी और वो कप्तान भी हैं। अब आगे चलते हैं और अब आप गेंदबाजों पे आते हैं। तो अभी तक 2 विदेशी तो हो गए हैं, एक हो गए हैं क्रिस गेल और एक हो गए एबी डिविलियर्स। तो अब 5 गेंदबाजों में मुझे अगर 2 विदेशी चुनने हैं तो वो रहेंगे लसित मलिंगा और सुनील नारायण। ये 2 गेंदबाज ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी टीम में अपने आप अपनी काबिलियत के बलबूते पे आ सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। तो जब आपने ये 2 गेंदबाज विदेशी चुन लिए तो अब आपके पास बचे हैं 3 हिंदुस्तानी या 3 भारतीय गेंदबाज। इन 3 में से भी अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह अपनी जगह बना लेंगे। एक और भारतीय तेज गेंदबाज अगर आप उसकी ओर देखना चाहें तो विकल्प हैं आपके पास, भुवनेश्वर कुमार हैं, हाल में भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी प्रदर्शन उन्होंने किया है, लेकिन मैं अभी भी भुवनेश्वर कुमार के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि एक तो नई गेंद के साथ जो वो स्विंग कराते थे या स्विंग कराते हैं गेंद को, विकेट निकाल के देते हैं, और फिर ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अंत के ओवर भी डाल सकते हैं। तो आप सोचिए कप्तान के तौर पे आपके पास कितने विकल्प हो जाते हैं कि शुरू में भी विकेट टेकिंग गेंदबाज आपके पास हैं और अंत के ओवरों में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरा जब यहाँ पे इस गेंदबाज का मैंने चयन किया तो थोड़ा 2-3 चीज़ों पर और ध्यान दी कि एक तो कप्तान कौन है, क्योंकि कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, तो मुझे लगा कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप रविंद्र जाडेजा दे देना तो वो रविंद्र जाडेजा के साथ कुछ ऐसा कमाल कर दिखाते हैं कि फिर बाकी लोगों से वो खिलाड़ी बिल्कुल एक अलग किस्म का खिलाड़ी नजर आता है। एक तो वो आपको 7 नंबर पे एक बल्लेबाज के तौर पे कुछ रन बना के दे सकता है, कुछ आपको ब्रिलियंट रन आउट्स करके दे सकता है,
कि आपको फील्डिंग में एक ऐसा एक कमाल का खिलाड़ी मिलता है और फिर जिस तरह से उनका कप्तान इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगता है कि इस टीम में उनकी जगह जरूर बनती है। तो ये आपके 11 हो गए और आधार इन 11 खिलाड़ियों का ये है कि 7 हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, और 4 विदेशी। तो क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उसके बाद सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा, सुनील नारायण, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा।